भारत आखिरकार ये पैनल जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब नाम सामने आ चुके हैं। अगर इनकी बात की जाए उपाध्यक्ष पद पर, क्योंकि ये एक छात्रा है, अध्यक्ष पद की बात की जाए तो अहम जिम्मेदारी इनके ऊपर, क्या परचम लहरा पाएंगे इस बार? देखिए पूनम, बिल्कुल एबीपी ने अपना पैनल है वो लगभग घोषणा कर दी है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी उसकी घोषणा नहीं की। अभी एबीपी का पूरा पैनल है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहुंचेगा। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर हो चुका है। अगर अध्यक्ष पद की बात की जाए तो अध्यक्ष पद पर राजपाल चौधरी की नाम की यहाँ पर घोषणा बताई जा रही है। वहीं उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अनुराधा मीणा की यहाँ पर बात की जा रही है। महासचिव पद की बात की जाए तो दिनेश गरेड यानी दिनेश चौधरी के नाम पर मोहर लगी है। वही संयुक्त सचिव के पद की अगर बात की जाए तो मीनल शर्मा को यहां पर टिकट दिया है। थोड़ी देर के बाद जो एबीपी का पूरा पैनल है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी पर पहुंचेगा, जहां पर आधिकारिक रूप से घोषणा है वो यहां पर होने वाली है। आपको बता दूं कि एबीपी के जो अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार थे अमित बड़बड़वाल, वो खासे नाराज इस वक्त दिख रहे हैं और वो सीधा यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है कि आपस में यहाँ पर झड़प वो हो सकती है। इसके लिए प्रशासन है व्यवस्था यहाँ पर करिए भारत जरा ठीक है। ये आप तस्वीर जरा दिखाइए, उसके बाद मैं अपना सवाल दोहराऊंगी आपसे। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मुस्तैद हो गया है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद एबीपी का पैनल है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचेगा। उसके बाद जो अमित बड़बड़वाल है उसके समर्थक भी यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हलचल यहाँ पर तेज हुई है और कुछ समर्थक गाड़ी से बाहर यहाँ पर निकल रहे हैं। निश्चित रूप से अमित बड़बड़वाल के जो समर्थक है उसको यहाँ पर टिकट नहीं मिला, उसको लेकर खासी नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। फिलहाल जो गाड़ियों में जो समर्थक उतरे हैं वो राजपाल चौधरी के हैं, जिसको टिकट मिला है एबीपी से। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आधिकारिक रूप से घोषणा है वो पूरे पैनल की। भारत आप मुझे इस चीज को साफ कर दीजिए कि अमित बड़बड़वाल के समर्थक यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए, यानी कि अपनी पैठ यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जाए। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है भारत, ऐसे में आपसे समझना चाहते हैं क्या कोई बदलाव यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि गुटबाजी हो सकती है, जब अपने समर्थक एबीवीपी के नाराज हो जाएंगे, गुटबाजी हो जाएगी तो फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। क्या कोई फैसला बदल सकता है? देखिए फैसले के बदलने की बात तो यह है कि बिल्कुल अब फैसला नहीं बदला जा सका, क्योंकि अब पूरी तरह से एबीपी ने अब मानस बना लिया है। राजपाल चौधरी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे, वही महासचिव पद की अगर बात की जाए तो दिनेश गरेड होंगे। आपको बता दें बागी होने का जो खतरा है एबीपी के लिए हमेशा मंडराता आता है। पिछले साल अगर 2 साल की बात की जाए तो पहले पवन यादव, उसके बाद अंकित घायल, जो कि एबीपी से बागी होकर यहाँ पर चुनाव लड़े थे और एबीपी को खासी करारी शिकस्तें वो यहाँ पर मिली थी। इस बार भी अमित बड़बड़वाल है वो बागी होकर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आप देख सके किस तरह से भीड़ है वो यहाँ पर जुट गई है और पुलिस प्रशासन के लिए खासी मशक्कत का यहाँ पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी खासी मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। एक एक छात्र का आई कार्ड करके यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही जो एबीपी का पूरा पैनल है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचेगा और उसके बाद पैनल की यहाँ पर घोषणा की जाएगी। अमित बड़बड़वाल अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे लेकिन उनको टिकट की दौड़ से बाहर कर दिया है। तो भारत से ये बताइए क्या वो बागी होकर यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर दूसरी गुटबाजी यहाँ पर कर सकते हैं? कितना खामियाजा अब यहाँ पर भुगतना होगा 31 अगस्त को और कितना फायदा यहाँ पर एनएसयूआई को मिल सकता है? लेकिन अब अगर दोनों के बैकग्राउंड को अगर हम समझना चाहें कि एक तरफ यहाँ पर राजपाल चौधरी, दूसरी तरफ अमित, जिनको फिलहाल अभी टिकट नहीं मिला है, तो अगर इनके राजनीति में कितने सक्रिय थे अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और अगर इनके पढ़ाई के बैकग्राउंड को समझा जाए तो क्या निकल कर आ रहा है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, जिस प्रकार से राजपाल चौधरी का अध्यक्ष पद पर टिकट फाइनल हुआ है, वहीं महासचिव पद की बात की जाए तो दिनेश चौधरी के टिकट का फाइनल हुआ, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दो महत्वपूर्ण पदों पर जाट कार्ड यहां पर एबीपी ने खेला है। वही अब एनएसयूआई के लिए यहां पर वक्त मिल गया है, क्योंकि एनएसयूआई ने अभी अपने टिकटों की घोषणा है वो यहां पर नहीं की है, तो एबीपी के लिए अभी खासा, माफ कीजिएगा, एनएसयूआई के लिए खासा समय अब यहां पर मिल गया है, क्योंकि जिस प्रकार से एबीपी ने जाट कार्ड खेला है अध्यक्ष पद पर और महासचिव पद पर, तो कहीं ना कहीं एनएसयूआई इसकी कार्ड करने के लिए और भी किसी उम्मीदवार को है वो मैदान में उतार सकती है। वहीं जो बागी कह रहे हैं अमित बड़बड़वाल हैं, उनको खासा घाटा है वो एबीपी को हो सकता है, क्योंकि अमित बड़बड़वाल ही जाट वोटरों में खासी पैठ रखते हैं, तो एबीपी को हो सकता है जिस प्रकार से एबीपी ने जो जाट कार्ड यहां पर अध्यक्ष और महासचिव पद पर खेला है उसका नुकसान यहां पर एबीपी को हो सकता है। पूनम,
चलिए ठीक है, यानी कि अब देखा जाए तो अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर छात्र है, उपाध्यक्ष के पद पर छात्रा है, तो वहीं अगर महासचिव के लिए फिर से छात्र का चुनाव हुआ है तो संयुक्त सचिव के लिए यहाँ पर छात्रा का चुनाव किया है, यानी छात्र और छात्राओं के वोट बैंक को यहाँ पर पूरी तरीके से साधने की कोशिश एबीवीपी की तरफ से की गई है। एक बार फिर से तस्वीर जरा बता दीजिए भारत, क्या नजर आ रहा है? देखिए पुलिस प्रशासन खासा सख्त हो गया है, जैसे एबीपी अपने टिकटों के पैनल की घोषणा करने की राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंची, हम दिखा सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि ये थाना इंचार्ज है, एक एक छात्र का आई कार्ड यहाँ पर चेक किया जा रहा है। छात्रों में थोड़ी सी हलचल यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से एबीपी ने टिकटों की घोषणा पर यहाँ पर मोहर लगाई है, राजपाल चौधरी और महासचिव पद पर दिनेश गरेड़ का टिकट जो फाइनल हुआ है, एक दौर था जब दिनेश चौधरी भी खासा नाराज चल रहे थे, लेकिन संगठन ने खासी मनुहार के बाद उनको महासचिव पद के लिए मनाया है, क्योंकि दिनेश चौधरी भी अध्यक्ष पद के कड़े उम्मीदवार थे, लेकिन संगठन ने एक लंबी बैठक के बाद दिनेश चौधरी को महासचिव पद के लिए यहां पर उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद जो अमित बड़बड़वाल है वो अभी भी खासा नाराज चल रहे हैं, और ऐसे सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है कि वो राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने समर्थकों के साथ पहुंचने वाले, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया, जो बाहरी छात्र है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हलचल है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी बड़ी है, छात्र खासी संख्या में धीरे धीरे इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी अभी थोड़ी देर के बाद अपना पैनल यहाँ पर घोषित करेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर पहुंचेगी, पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर खासा सतर्क यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।